हेलो वेलकम बैक। आज हम खेल रहे हैं दोबारा से फोर्स ओरिजन 5। और लास्ट वाला एपिसोड अपलोड करने के बाद भाई तुम लोगों ने तो सुपर स्पिन व्हील की बारिश कर दी। अभी मेरे पास में मतलब कल रात को ही 42-43 के आसपास में सुपर स्पिन व्हील हो गए थे। और अभी ऐसे लग रहा है मेरे को शायद से हमने ना 50 सुपर स्पिन व्हील क्रॉस कर दिए। और जो नॉर्मल वाले स्पिन व्हील है वो 3-4 ही है, क्योंकि मैंने 3-4 रेस खेला था। तो अब चलते फटाक से जाकर ना स्पिन करते सारे व्हील्स और चेक करते उसके अंदर अपने को क्या क्या मिलेगा। ऑलराइट, तो हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है। अब चलते फटाफट से माय होरिजोन में और चेक करते कितने सारे भाई 6 अपने पास में व्हील्स भी है नॉर्मल वाले। तो पहले ना ये अनलॉक करते, चेक करते इसके अंदर कुछ बढ़िया वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा। 15,000 रुपए मिले, चलो चलता है भाई। मेरे को ऐसा लग रहा है ना 4-5 मिलियन डॉलर तो आज हम कर ही लेंगे, जिसमें ना मेरा दिल कर रहा है एक फरारी परचेस करने का, जिसको हम क्योंकि अभी तक हमने ना एक भी फरारी परचेस नहीं करी। जितने भी अपने को स्पिन व्हील में मिले या फिर हमने बान में फाइंड किए, बस उतने ही अपने को मिले। तो एक फरारी भी हम परचेस कर लें, क्योंकि सारी ब्रांड्स के हमने तगड़ी तगड़ी कार्स परचेस कर ली, फरारी ही रह गई थी। और इस नॉर्मल वाले स्पिन व्हील के अंदर तो अपने को ऐसा इतना कुछ खास मिला नहीं, बट फिर भी देखते हैं। 5,000-25,000 मिल जाता ऊपर का तो भी चलता अपने को। और इसके अंदर अपने को क्या मिलेगा, 1-2 लाख दे दे भाई। 1-2 लाख के तो मेरे को सपने छोड़ देना पड़ेगा। चलो ये तो हो गया, अब चलते सुपर स्पिन व्हील में, देखते हैं कि अपने पास में एक्चुअल में कितने हुए सुपर स्पिन व्हील। तो भाई साहब 52 है अपने पास में, 52 सुपर स्पिन व्हील है। कल रात से अभी तक ना 10 सुपर स्पिन व्हील बढ़ गई। बट मेरे को ना एक चीज ये बताओ, तुम लोग के पास में इतने सुपर स्पिन व्हील आए कहाँ से? ऐसी कौन सी रेस खेलते हो, ऐसा क्या करते हो जो तुमको इतने सारे सुपर स्पिन व्हील मिलते हैं? मैं इतनी सारी रेस खेलता हूँ मगर 1 या 2 सुपर स्पिन व्हील मिलते हैं। खैर अभी 52 बच्चे हैं भाई, 52 के अंदर तो अपने को कुछ ना कुछ तगड़ा मिल ही जाएगा इसके अंदर। और 3 लाख नीचे था भाई, अपने को मॉर्गन 3-व्हीलर मिली है यहाँ पर और लेंसर भी मिली है एक, ठीक है 45,000 और मिले। इसके अंदर क्या मिलेगा, कुछ दे दे 2,000, 4,000, 20,000, ये चिल्लर चिल्लरी अमाउंट दे रहा भाई, चिल्लर चिल्लर। 49 सुपर स्पिन व्हील पड़े भाई, 49। तुम लोग ना ऐसे भर भर के सुपर स्पिन व्हील मेरे को भेजते जाओ, मैं ऐसी वीडियो बनाता जाऊंगा, करोड़पति हो जाएंगे हम फोर्जा में। और अपने को फोर्ड मस्टैंग मिली है 16। इसके अंदर क्या मिलेगा भाई, टोटल 48 अपने पास में है। 1 लाख 2 लाख और एक लड़की का ड्रेस मिला है, वो अपने कुछ काम का नहीं है। अपने को अपने बंदे को भी कस्टमाइज करना है, अभी न्यू वाले ड्रेस वगैरह वो बनाना है। वेरी नाइस, 1,30,000 और ये 15,000, मतलब 1,45,000 अपने को मिल गए यहाँ पर। इसके अंदर क्या मिले क्या, चलो 25,000, 10,000, 5,000, टोटल 40,000 रुपये मिले। कुछ मिल जा भाई बढ़िया, कुछ मिल जा भाई बढ़िया। चलो दोबारा से अपने को 55,000 मिले इस बार। 1-3 लाख का मिल जाए, 1-2 लाख का और 1,75,000 का, ना जिंदगी सो रहे हो। एक ट्रक मिला अपने को, डिस्ट्रक्शन स्किल बूस्ट M24B ट्रक, ये कौन सा ट्रक है पता नहीं, चलाना पड़ेगा इसको भी। अब चेक करते हैं इसके अंदर अपने को क्या मिलेगा। 43 अभी भी अपने पास में पड़े हुए हैं। एक शॉर्ट भाई मित्सुबिशी जीच ही मिली है अपने को और हॉर्न भी मिला है, 5,000 रुपये भी मिले। दे दे यार 2-3 लाख रुपये दे दे यार भाई। ओके, जीप ग्लैडिएटर मिली और 50,000 रुपये मिले, मतलब 55,000 है टोटल मिले। 41 सुपर स्पिन व्हील है, तुम लोग आराम से बैठ जाओ, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा यार। 1 लाख आते आते 10,000 मिले अपने को। अब चेक करते हैं इसके अंदर क्या मिलेगा, शायद से 1,25,000। अरे भाई 2.5 लाख रुपये आते आते रह गए, 2.5 लाख रुपये आते आते रह गए। नीचे देख रहे हो येल्लो येल्लो, पूरी येल्लो लाइन चाहिए मेरे को, येल्लो और पर्पल वाली लाइन चाहिए, ग्रीन वाली नहीं चाहिए। ग्रीन में ना बहुत कम पैसा मिलता है, चलो एक पर्पल लाइन मिल गई और साथ ही साथ BMW मिल गई और एक LR सीरीज की पुरानी वाली कार भी ली है। नो प्रॉब्लम। जब हमने सुपर स्पिन व्हील स्टार्ट किया था हमारे पास में 9 से 9.5 लाख के आसपास में कुछ पैसे थे, ठीक है। अब ये पूरे 38 ओपन करने के बाद ना चेक करेंगे कि अपने को कितने ज्यादा मिलेंगे। होप इसके अंदर ये कौन सी कार है, पोर्शे फिनो, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं ये कार। खैर कोई ना, 36 अभी भी बचे हुए गाइस, तो टेंशन मत लो, आराम से बैठ जाओ। एक ग्रे जैकेट मिली है BMW की, बहुत ज्यादा पुरानी एक कार मिली है। इसके अंदर क्या मिलेगा, दे दे भाई कुछ तो बढ़िया, दे दे भाई कुछ तो बढ़िया दे दे। 35,000 मिला है और ये मतलब 40,000 के करीब मिला है। फोर्ड मिली है एक पुरानी वाली। पुराने कार्स ना बहुत हो गए अपने पास में, ये पूरे ना मेरे को सेल करना पड़ेंगे इसके। अरे 2 लाख आ जाते यार उधर से, 1,75,000, यहाँ से 2 लाख आ जाते तो हो जाता अपना काम। 3-4 लाख रुपए एक ही टाइम एक ही स्पिन व्हील के अंदर अपने को मिल जाते, कुछ ऐसा दे ही नहीं रहा अभी तक।
एक भी ऐसे सुपर स्पिन व्हील ना, एक भी ऐसे तगड़ा वाला नहीं मिला जिसके अंदर अपने को खूब खतरनाक कार या फिर बहुत ज्यादा पैसे मिले, एक बार भी नहीं मिला भाई। वाह देखो, हाँ ये GT2 मिली है अपने को, सिल्वर वाली 911। चलो एक तो ढंग की कार मिली है, बढ़िया वाली नहीं बोल सकते, ढंग की कार मिली है अपने को। अरे कावबॉय की हेड मिली है, कोई सीन नहीं, और चेक करते हैं, मैं ना इसको स्किप करता हूँ इसके। ओ ओ ओ, ये अब तक का सबसे बड़ा स्पिन मिलता 2,05,000 का, ठीक है 2,05,000 अपने को मोटी मोटी अमाउंट याद रखना है। देखते हैं और 29 सुपर स्पिन व्हील के अंदर भाई, चलो 2,00,000 मिले अपने को, बट ये नीचे के अपने को 3,00,000 मिल जाते तो हो जाता भाई, कितना सही अमाउंट हो जाता। और इधर भाई इधर तो 1,75,000, ये 1,75,000, ये 3,00,000 और ये 2,00,000, फुल तगड़ा सीन हो जाता अपना। और 2,05,000 मिले थे, अब अपने पास में 2,45,000 का हाईएस्ट है अपना, समझ लो 2,20,45,000 मिले अपने को। ये स्कर्ट का मैं क्या करूंगा, कम से कम लड़कों के तो कपड़े दो। और इसके अंदर अपने को 5,000 रुपए एक हॉर्न और एक पुरानी सी भंगार कार मिली है, चलती है, थोड़े बहुत पैसे हम बना लेंगे उससे। और ना ये सुपर स्पिन व्हील के अंदर तो कुछ नहीं था, इसके अंदर क्या मिलेगा, 25 बचे हैं अभी, टेंशन मत लो ठीक है, 25 बचे हो, 25 के अंदर अपने को भाई ये 5,000-6,000 रुपए दे रहे यार, पेट्रोल भी नहीं आता एक रेस का उसके अंदर, थोड़ा ढंग के तो दो। यस यस, अब अपना हाईएस्ट है 3,00,000 रुपए, ठीक है पहले अपने को 2,05,000 मिले और फिर उसके बाद में 2,45,000 मिले, अब सीधा 3,00,000 रुपए मिल गए, बहुत सही, बहुत ज्यादा ही सही, तीनों में अगर 3,00,000 मिल गए तो कितना मजेदार काम हो जाएगा। चलो और 2,00,000 मिल गए अपने को, 22 सुपर स्पिन व्हील अपने पास में अभी भी पड़े हुए हैं, 22 के अंदर अपने को 2,50,000 यस 2,50,000 2,60,000 मिले उसके अंदर अपने को। इसके अंदर क्या सीन है, वाइट टी शर्ट मिली है, जगुआर एफ टाइप मिली है, ओके वेरी नाइस वेरी नाइस। इसके अंदर भाई अब बीसी स्पिन व्हील बचे अपने पास में, तुम्हारे पास जितने स्पिन व्हील है ना मेरे को भर भर के भेजो, मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा भाई, बहुत मजा आता है सुपर स्पिन व्हील अनलॉक करने में। ओह चलो 3,00,000 की जगह 1,00,000 तो मिले, 2,00,000 कम मिले बट चलता है। इसके अंदर क्या है, 2,00,000 रुपए दोबारा से मिल गए, मिल जाएगा 17 स्पिन व्हील के अंदर तो अपने को एक बड़ा अमाउंट मिल ही जाएगा यार। ऊपर की ये मस्टैंग आ जाती, ये वाली GTA मस्टैंग है, ये कौन सी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ लुक में, खैर कोई ना। इसके अंदर 1,25,000 40,000 और ये 30,000, ये भी करीब करीब 2,00,000 रुपए मिल गए अपने को यहाँ से, 2,00,000 के अच्छे ज्यादा मिले अपने को। इसके अंदर कुछ है ना यार, कुछ दो ढंग का दो, कुछ भाई कुछ ढंग का दो, ठीक है अगेन 40,000-45,000 और एक कैमरा मिली है, कल भी अपने को एक कैमरा मिली थी। इसके अंदर 1,75,000 और एक एरियल नोमैड मिली है, ऑफ रोडिंग के लिए शायद से वो कार है। इसके अंदर कुछ सीन है, 30,000 रुपये मिले, कोई ना 11 बच्चे, 11 के अंदर कुछ ना कुछ तो अपने को मिल ही जाएगा। 1,00,000 रुपए भाई इधर से भी मिल जाते तो हो जाता, चलो कोई ना 1,00,000 फिर भी अपने को मिले, लेफ्ट वाले से नहीं मिले तो कम से कम मिडिल से अपने को 1,00,000 मिल गए, 1,75,000 मिल गए, एक और कार मिल गई है, आखिरी के 9 सुपर स्पिन व्हील बचे हुए हैं। इसके अंदर 2,00,000 रुपए मिल गए भाई, जब आखिरी के स्पिन व्हील बचते हैं ना अपने को बहुत अच्छे अच्छे स्पिन मिलते हैं, मतलब 1,00,000 रुपए आ जाते हैं अपने पास में। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, एक कार मिली है कोई तो ऑफ रोडिंग के लिए, इधर कुछ है फरारी मिली है, फरारी और 55,000 और मिले, बहुत पैसा मिल गया अपने को, 15,000 चलो कोई ना, निशान की पुरानी वाली मिली है, कस्टमाइज़ करेंगे ना उसको, ट्यून वगैरह करेंगे, बहुत सही हो जाएगी कार और लुक में भी बहुत ज़्यादा तगड़ी है। 1,25,000 यस यस यस, लास्ट के 5 सुपर स्पिन व्हील बचे हैं, इसके अंदर तो कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए। चलो BMW M3 मिली है, 3-3 M3 हो गई अपने पास में, ठीक है इसके अंदर कुछ है 1,75,000 और माजडा मिली है, ऑलरेडी अपने पास में एक माजडा है। अभी ये लास्ट के 3 सुपर स्पिन व्हील है, तो सच में अगर तुमने अभी तक लाइक नहीं किया ना तो लाइक का बटन दबा दो भाई, लाइक का बटन तुम दबा दो, ये 3 सुपर स्पिन व्हील बचे हैं लास्ट वाले। इसके अंदर ये 1,25,000, ओके ये लास्ट का एक बचा है, मतलब ये सेकेंड लास्ट है। ओ ओ
30,000 मिला या नीचे की कार मिल जाती ना, ये GTR तो बहुत सही था। ये है लास्ट का सुपर स्पिन व्हील फाइनल वाला। अब अपने पास में एक भी सुपर स्पिन व्हील नहीं है। पता नहीं ये एपिसोड अपलोड करने के बाद और कितने सुपर स्पिन व्हील आएंगे। 1,80,000 यहाँ से मिलकर टोटल पैसे चेक करेंगे तो 57 लाख रुपीज हो गए अपने पास में। 5,07,22,258 बहुत ज्यादा अमाउंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट है। कार्स के अंदर चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, देख रहे हो कितनी सारी कार मिली है भाई एक ही, मतलब ये 50 के स्पिन व्हील पे कितनी मिली है। ये वाली कौन सी थी वैसे, ये एपिक वाली है कार, 2012 की GT2 RS, इसको भी कस्टमाइज करेंगे। ये वाली भी रेयर है, 2016 की नोमैड। रुक जाओ, फरारी के सेक्शन में चलते है अभी। और ये रिडीम अवार्ड क्या है, रिडीम अवार्ड में 1,000 XP मिला है। चलो कोई ना, चलते फटाफट से कार के अंदर, बाय न्यू कार। वैसे इसकी हमने कल कार मास्टर की नहीं थी, ये वाली अपनी लोटस की 19 पॉइंट्स है ना। चलो कर लेते थोड़ी सी। हाँ व्हील स्पिन नहीं कर सकता हूँ क्या, रुक जाओ, ये भी नहीं कर सकता हूँ, बारी बारी करना पड़ेगा ना। अब अगर स्पिन व्हील करूंगा तो यस, एक सुपर स्पिन व्हील मिल गया, नहीं नहीं नॉर्मल वाला स्पिन व्हील मिला है अपने को। इसके अंदर 5,000 रुपये मिले, चलो कोई ना, सीन नहीं है, 5,000 भी मिले तो। इसके अंदर ये कौन सी चीज़ है, XP वगैरह। हाँ सुपर स्पिन व्हील एक और मिल गया इसके अंदर अपने को, कार मास्टरी के अंदर कुछ दे दो। दिया दिया, चलता है, 25,000 दिया, चलता है। तो भी ये 25 से बढ़ेंगे, अपने पास में 2 ही पॉइंट बचे हुए हैं। एक काम नहीं, कोई भी स्किल पॉइंट अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हम, सारे पॉइंट्स खत्म हो गए। चलो खैर कोई ना, बाय न्यू कार्स। तो ये रहा फरारी का सेक्शन, ये 2019 मॉडल, ये भी 2019 मॉडल। इसका पावर 530 है, इसका 596, इसका तो भाई 772। व्हाट, ये 2018 की है, बट ये बहुत ज्यादा तेज है, ये बहुत ज्यादा ही तेज है। बट ये है कितने की, 3 मिलियन की। रुक जाओ, बारी बारी ना मैं और कार्स के अंदर ना चेक करता हूँ। ये लेजेंडरी का पावर नहीं, ये एपिक का ना, ये लेजेंडरी दूसरी कार्स के अंदर मतलब इतना नहीं है। तो आज हम फरारी खरीदने वाले हैं, वो भी ये लेजेंडरी, ठीक है, 772 इसकी पावर है। तो बट ये क्या खरीदनी पड़ेगी, अरे भाई ये गलत चीज है। चलो कोई ना, और देखते हैं आगे। वैसे ये फॉर्मूला ड्रिफ्ट भी जो है, सुपरा 2020, इसकी भी पावर देख रहे हो कितनी तगड़ी है, 770 की पावर, 3 लाख की कार है। बट वो लेजेंडरी फरारी जैसा पावर है इसका, ये भी मेरे को ना कार पैक से ऐड करना पड़ेगा। वैसे ये सारी जो कार्स है, सिर्फ ये छोड़ के, ये तो ऑलरेडी ओन्ड है, बाकी दूसरी बहुत सारी कार अपने को। ओ एक सेकंड, हेल्यू 1,000 का पावर, 3 लाख रुपए की, ये कौन सी कार है, फॉर्मूला ड्रिफ्ट है, 3 लाख की है। पहले मैं इसको चला कर देखता हूँ, रुक जाओ, पहले मेरे को इसे चला कर देखने दो। और कलर कितने सेक्सी सेक्सी है भाई, ये वाला तो बहुत ज्यादा सही लग रहा है मेरे को। बट आगे और देखते, इतना तो कुछ सीन, यहाँ ये भी ठीक ठीक है। बट मैं ना एक काम करता हूँ, ये वाला फिलहाल के लिए कलर करता हूँ। 3 लाख की कार है, कम से कम उसको परचेस करके चला कर तो देखते हैं। ड्रिफ्टिंग के लिए कार है वो, ड्रिफ्ट वाली रेस अभी तक हमने की नहीं, अगर मेरे को मिल जाएगी तो हम ड्रिफ्ट वाली रेस भी करेंगे। ओके, क्या लग रही है, ये है कौन सी कार है कौन सी कार ये। ऑल राइट, तो हम ट्रैक पर आ चुके हैं। अगर तुम्हें कार फ्रंट से बताऊं तो देख रहे हो कलर कॉम्बिनेशन और लुक कितना ज्यादा सही लग रहा है। और ये कार मेन ड्रिफ्ट के लिए, तो अब फटाक से ना रेस देकर निकालते हैं। मेरे को लगा ही था कि जगह पर ना ज्यादा घूमेगी, और ड्रिफ्ट वाली रेस ना मेरे को ढूंढनी पड़ेगी। हम खामखा दूसरी कार के ऊपर ड्रिफ्ट करते थे, कितनी परफेक्ट चल रही है भाई, ये कितनी परफेक्ट चल रही है, और परफेक्ट ड्रिफ्ट भी हो रही है। दूसरी कार हम ड्रिफ्ट करते ना तो वो कुछ होती नहीं है। बाय 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 बाय, सच में मजा आ रहा है इसको लेकर ड्रिफ्ट करने में। वैसे इसकी ना मैं ट्यूनिंग करता हूँ, ट्यूनिंग करने के बाद मेरे को एक बार इसे चेक करना है कि ट्यूनिंग के बाद इसका क्या हाल होगा। अभी 1,000 का पावर है इसमें। अगर आज चलते फटाक से अपग्रेड एंड ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग्स के अंदर अगर जाएंगे तो हैंडलिंग जो है इसकी 5.9, लॉन्च 10, एक्सेलरेशन 10, ब्रेकिंग 7.3, ऑफ रोड और स्पीड तो छोड़ दो, स्पीड की ये काम की नहीं है। हाँ बट ये एक्सेलरेशन अगर हम इसका कम कर देंगे ना तो इसकी स्पीड, ऑफ रोड और हैंडलिंग बढ़ जाएगी। अभी एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा, इतना एक्सेलरेशन अपने को चाहिए नहीं, वरना अपनी लोटस के जैसी ऐसे ऐसे लहराएगी कार। बट फिर भी ना मैं और चेक कर लेता हूँ या कुछ है बढ़िया वाला या फिर। हाँ ये भी सही है, इसकी स्पीड देख रहे हो 9.6 की है, लॉन्च 6.7 का, सारी चीजें परफेक्ट है। ये है S1889। और आगे चेक कर तो और कुछ है बढ़िया या नहीं, तो ना इतना कुछ सीन नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, ये S1 जो है ये वाली ट्यून करते हैं अभी के लिए, और अगर ये समझ में नहीं आएगी तो जो सेकंड लास्ट अभी हमने जस्ट देखा वो भी कर लेंगे। इससे अपनी कार का ना थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा, बट चलता है। अब चला कर देखेंगे, अपने पास में वैसे अभी भी $5.5 मिलियन है। अब चेक कर तो पहले तो साउंड देखते हैं। चलो साउंड तो वही है, ट्रैक्शन देखते हैं इसका।
सीधे अगर मैं चलाता हूँ, देखता हूँ सीधे में, ना 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 ना, ये सिर्फ ड्रिफ्टिंग के लिए भाई, ये ड्रिफ्टिंग के लिए कहीं पर भी घुस रही है कार, कहीं पर भी घुस रही है, ड्रिफ्टिंग कर लिए ये बस। ये हैंड ब्रेक तो खींचने की जरूरत ही नहीं है, हैंड ब्रेक खींचने की जरूरत ही नहीं है अपने को यार। वो फरारी मिल जाती ना लेजेंडरी भाई, बहुत मजा आ जाता। खैर चलते फटाक से कार्स के अंदर और अब देखते हैं और तगड़ी वाली कार। एक काम करते हैं, जेड से शुरुआत करते हैं। ये TSR Zen वो ये कौन सी कार है, बट पावर अच्छी है उसकी। वैसे ये हमारी अल्टीमा को तो हम भूल ही गए, हर रेस में इसे लेकर कूद रहे थे, बट अब तो हम चलाने छोड़ दे भाई अल्टीमा को। हाँ ये वाली एक कार मिली है कॉन्सेप्ट 2, जिसका पावर यहाँ पर ही देख लो, लेजेंडरी कार है जो की है 2 मिलियन की, कॉन्सेप्ट 2 2019। मैं कर रहा हूँ इसे भाई, जिसका ऑलरेडी विदाउट ट्यूनिंग 1400 का पावर है। ट्यून करने के बाद वो क्या ही हो जाएगी, और इसके कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हो, वेरी नाइस। ये वाला कलर तो हमने करा लिया है ना, तो इस बार एक काम करते हैं हम ना, ये GTA वाला कराएंगे। चेरी रेड तो हमने ऑलरेडी करा रखा है बहुत सारी कार्स को अपने। 2 CR दे रहा हूँ मैं और ये कार मैं परचेस कर रहा हूँ। ऐसे कैसे नजर नहीं पड़ी थी हमारी ये कार पर। सीधा लेके चलेंगे हाईवे पर और जाकर ना मेन रोड पर फुल स्पीड, इसकी टॉप स्पीड पहले चेक करेंगे। ओके, क्या ये बैटरी की है? अबे ये वाली भी कार बैटरी की है भाई, ये वाली भी कार बैटरी की है, और बहुत सही है। बट ये कार के अंदर ना थोड़ी आवाज है, अपने लोटस के अंदर कुछ भी आवाज नहीं था। अरे भाई भाई भाई, न्यू कार है बे, छह सामने आ गया। मेरे को ऐसा लगा मैं उसे ठुक जाऊंगा, बट हो गया, चलो कोई ना, अब क्या ही कर सकते, एक्सीडेंट हो ही गया तो। ऑलराइट, तो हम हाईवे पर आ चुके हैं, अब चेक करते हैं इस कार की टॉप स्पीड। ठीक है, अंदर के व्यू से देखो, फुल रेस दे रहा हूं भाई, कुछ हो ही नहीं। अब निकालते हैं इसे गोली जैसे, 1 2 3। ये भाई ये मतलब टायर्स के जगह पर ना बहुत ज्यादा घूम रहे, बट लोटस जैसे राइट लेफ्ट को नहीं घुसी है, स्ट्रेट ही चली। और ये लॉन्च होते ही इसकी स्पीड देख रहे हो, अपनी लोटस से भी कहीं ज्यादा है, कहीं नहीं बहुत ज्यादा। अबे विदाउट ट्यून 420 चली गई भाई, ये विदाउट ट्यून 420 चली गई, क्या ये हमारी जेस्को को पीछे छोड़ देगी ट्यून करने के बाद में? सेकंड गियर में 420 पर चला रहा हूं मैं इसे, सेकंड गियर में अंदर से ये तो मालूम ही नहीं, 421 चल रही है भाई, विदाउट ट्यून। रुक जाओ, मैं इसको ब्रेक लगाता हूँ इधर से, ब्रेक कैसे इसके एक बार चेक करेंगे। वेरी नाइस, अच्छे ब्रेक है। अब इसको खड़े करते हैं इधर, चलते कार्स में, बाय न्यू कार्स और सीधा गैराज में लेके जाकर ना ट्यून करेंगे। ये विदाउट ट्यून 420 की स्पीड से चल रही है, ऑलरेडी इसका 1400 का पावर है। अपग्रेड एंड ट्यूनिंग में जाकर ना फटाफट से इसकी ट्यूनिंग ढूंढते एकदम तगड़ी वाली। अगर ये कर दूंगा तो लॉन्च इसका कम हो जाएगा, बट हैंडलिंग, एक्सेलरेशन, स्पीड, ब्रेकिंग, सब चीज 10, सारी चीजें 10 लॉन्च छोड़कर। बट लॉन्च भी तो अपने को लगेगा, रुक जाओ और चीज चेक करता हूँ। स्पीड तो भाई बहुत गोली है इसकी, बहुत ज्यादा गोली है। इसमें भी सारी चीजें 10/10 मिल रही है अपने को, X999 है। देखेंगे ये ट्यून कर लेंगे, लॉन्च चेक करेंगे फिर इसका। लॉन्च कम भी होगा तो अपने को चलेगा, क्योंकि लोटस जैसे अपने को कार का हल नहीं करना। और तो मेरे को इतनी कुछ खास ट्यूनिंग लग नहीं रही है, ये भी 10/10 है। चलो खैर कोई ना, जो हमने X999 देखा था ये वाला, लॉन्च इसका कम है बट अपना काम हो जाएगा। कितने में ट्यून हो रही है पहले वो चेक करना, वरना ले लेगा 2-5 लाख रुपए। 35,000 भाई, 1900 से इसका वेट 1600 kg हो गया, और कम हो गया वेट, और स्पीड भी और बढ़ गई, 420 अभी जा रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है ना 500 के करीब ये पहुंच जाएगी, ऐसा फील आ रहा है अंदर से। $3.4 million अभी भी अपने पास में है। अब चेक करते इसको हाईवे पर लेके जाकर, कहा गया अपना हाईवे का रास्ता, हाँ यही से हाईवे पे। ओ भाई अच्छा हुआ लॉन्च नहीं है इसका, ये विदाउट लॉन्च इतनी गोली निकल रही है, सीन नहीं है, चलता है मेरे को। इसका कंट्रोल हैंडलिंग भाई, कंट्रोल हैंडलिंग तो बहुत सही है। इसको मैं खड़े कर देता हूँ कुछ ना इधर साइड में, ठीक है। अब यहाँ से ये ब्रेक लगा दिया, यहाँ से फुल रेस देंगे। लोटस जो है हमारी राइट लेफ्ट को घुस जा रही थी ट्यून करने के बाद में, और विदाउट ट्यून भी थोड़ी थोड़ी घुस रही थी, बट ट्यून करने के बाद बहुत ज्यादा पावर हो गया था। अब इसको चेक करते हैं कि ये ट्यून करने के बाद में कैसे जा रही है। तो 1 2 और 3, यस। ओके, ये भाई ना राइट को घुसी ना लेफ्ट को, बहुत बेसिक सा, बहुत ज्यादा बेसिक था, गाड़ी शेक हुई है बस थोड़ी सी। 420 क्रॉस हो गया,
460 क्या ये क्रॉस कर देगी? 446 तक चले गई, 448, 450, 452, 453 ना, 460 जेस्को ही है भाई अपनी नंबर वन, बट ये लैम्बोर्गिनी से ज़्यादा फास्ट है। और जितनी भी दूसरी कार है ना, पहले पर जेस्को है, सेकंड पर ये वाली कार आ गई अपनी 460 तक, ये भी जा रही है ऑलमोस्ट 460 जा रही है, एक दो का फ़र्क पड़ रहा है बस। चलता है, बैटरी की कार है भाई, पेट्रोल भी बच जाएगा, रेस भी जीत जाएंगे, गोली जैसा भाग भी जाएंगे। बट इसकी जो हैंडलिंग है जेस्को से ज़्यादा है, क्योंकि जेस्को की हैंडलिंग 10/10 नहीं है, इसकी 10/10 है। लॉन्च छोड़ के बाकी हर एक चीज़ ना इसकी 10/10 है। कितना गोली जा रहे हैं, आसपास देख रहे हो हर एक चीज़ कितनी स्पीड्स। ओ भाई सामने आ गया बंदा, अंदर आवाज़ ही नहीं है कुछ, किसी भी चीज़ का आवाज़ नहीं है। बस 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 ऐसे राइट लेफ्ट चला ले, बड़ा मजा आता है। अब बारी आ चुकी है इस कार को रेस में उतारने की, बट ना अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। दोबारा से जाएंगे कार में और कार चेक करेंगे, शायद से इससे कोई पावरफुल और कार मिल जाए। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट 2 तक तो हमने चेक कर लिया, अब और चेक करते हैं। हाँ ये पोर्श का भी पावर अच्छा है, बट 8.5 लाख की कार है ये। 91 तो अपने पास में दो दो तीन तीन पड़ी हुई है, बाकी तो भाई नॉर्मल नॉर्मल पावर वाली दिख रही है। और मेरे को अभी जस्ट जेस्को का छोटा भाई दिखा अपने पास, जो जेस्को है वो 2020 है, ये 2016 है। इसका पावर देख रहे हो 118, ये जो हमने परचेस किया इसका 954 है, बट इसके जो नीचे वाला है इसका 1000 का है और इसका भी 1000 का है। ये वाली जो है रेगेरा 2016, ये विदाउट ट्यून 1000 का इसका पावर है। जेस्को हमारी 954 की है, बट इसको ट्यून करने के बाद ना अभी अपने पास सबसे फास्टेस्ट कार यही है। मेरा ऐसे दिल कर रहा है ना ये रेगेरा परचेस कर लूं, जिसका ऑलरेडी पावर 1118 है, इसको परचेस करके ना ट्यून करूं, ऐसे मेरा दिल कर रहा हूं। 19 लाख रुपए की है, मैं परचेस कर रहा हूँ भाई। और इसमें कोई तगड़ा वाला कलर है या नहीं? और बहुत ज्यादा तगड़े तगड़े कलर्स है, बहुत ज्यादा ही तगड़े तगड़े कलर्स है। तो एक काम करते हैं, इसको ना ये वाला कलर करते हैं, सिल्वर ब्लैक और ब्लू। बाद में तो हम कभी भी कलर चेंज कर सकते हैं, उसका तो इतना सीन नहीं है। अब इसको विदाउट ट्यून चलाते हैं और चेक करते हैं कि टॉप स्पीड कितनी जा रही है, फिर इसको ट्यून करने के बाद में चेक करेंगे कि इसकी टॉप स्पीड कितनी जा रही है। जब विदाउट ट्यून इसका 1118 का पावर है, तो ट्यून करने के बाद ये क्या ही हो जाएगी भाई। और अंदर से एक सेकंड, इसका लुक कितना खतरनाक है, एकदम ऐसे बैड एस कार लग रही है। साउंड भी काफी प्यारा साउंड है, काफी ज्यादा प्यारा साउंड है। बट अभी अपने को जाना है यहाँ से हाईवे पर, जो कि है ये। हमने ना फोर्जा की ऑलमोस्ट सारी महंगी और सारी तगड़ी कार परचेस कर ली है भाई, सारी ही तगड़ी कार परचेस कर ली है, टॉप स्पीड वाली भी, लुक में भी, कलर में भी, मतलब हर एक चीज में। और ये टर्न के ऊपर, मतलब देख रहे हो टर्न के ऊपर रेस दे रहा हूँ ना, ये सीधा सीधा घूम रही है, सीधा घूम रही है ये टर्न के ऊपर। इसको बहुत ज्यादा देखना है, बहुत ज्यादा देखना टर्न के ऊपर। ऑलराइट, तो हम अपनी डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं, यहाँ से अपने को बस सीधा सीधा जाना है, ठीक है। अब चेक करते हैं इसकी टॉप स्पीड। इतने टाइम के बाद में पेट्रोल वाली कार चला रहा हूँ भाई, अब साउंड आ रहा है तो मजा आ रहा है काफी ज्यादा। तो 1, 2, 3, ठीक है। इसका लॉन्च देख रहे हो कितना ज्यादा प्यारा है, लॉन्च बहुत कम है इसका, करके ये स्किट नहीं हो रही और एकदम चिपक कर चल रही है। बट ये रेस में ना सबको पीछे छोड़ देगी। अभी स्पीड इसकी चेक करोगे तो भाई साहब 400, ओके 400 ऐसी जा रही है, ठीक है 400 विदाउट ट्यून जा रही है ये, 339 400, ठीक है। अब इसको ले चलता हूँ मैं सीधा घर, 400 की स्पीड में चल रही है, समझ में आ गया, 339 बोल रहा हूँ भाई, 399। बट इसको ट्यून करने के बाद में ये कहाँ तक जाएगी, नो आइडिया। यहाँ पर अपने को ऑलमोस्ट सारी चीजें 10 मिल रही है, बट हैंडलिंग नहीं मिल रही, हैंडलिंग ही तो मेन है, बाकी चीजें तुम कम कर दो चलेगा, हैंडलिंग ही तो मेन है। तो अभी फिलहाल में ना सारी ट्यूनिंग में मेरे को ये दो ट्यूनिंग अच्छी लगी है, एक ट्यूनिंग में एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा कम है बट हैंडलिंग अच्छी है, लॉन्च भी अच्छा है, ब्रेकिंग भी अच्छी, स्पीड भी अच्छी। बट ये वाला जो है इसमें एक्सेलरेशन 10 है, स्पीड 9.6 है, ब्रेकिंग 9.9 है, लॉन्च 10 है, ऑफ रोडिंग भी सही है, बट हैंडलिंग जो है वो 7 है। तो पहले ये वाला ट्यून करता हूँ, उसके बाद में दूसरा वाला चेक करेंगे। अगर इसके अंदर अपना काम हो गया तो मतलब समझ लो और कुछ चीज देखने की जरूरत नहीं है। 39,000 ले रही है, हो गया ट्यून, 14,90,000 बचे हमारे पास में, 4-5 मिलियन ऑलमोस्ट 6 मिलियन के ना हमने ऐसी की तैसी कर दी। ओ भाई इसका लॉन्च खतरनाक हो गया। अभी ये तो, अबे नहीं, ये वाली हैंडलिंग थोड़ी सी ना डिफिकल्ट है, ये थोड़ी सी
मतलब ये हार्ड पड़ रही है, ये हार्ड पड़ रही है, इसको अपने को थोड़ा कम वाला चेक करेंगे। बट इसके अंदर ना मैं हाईवे पे जाता हूँ और टॉप स्पीड चेक करता हूँ, क्योंकि स्पीड ही सारी चीज़ें नहीं होती, हैंडलिंग और ब्रेकिंग ये सारी चीज़ें भी अपने को लगती है। चलो शॉर्टकट से आ गए हम सीधा इधर, अब चेक करते। ना 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 ना, बहुत गंदा टर्न ले रही है, बहुत गंदा टर्न ले रही है। तो 1 2 3 ठीक है, अब हो रही है ये भी, मतलब राइट लेफ्ट होके चल रही है कार, ये भी राइट लेफ्ट होके चल रही है लॉन्च होने के बाद। अभी कितना जा रही है, 300 तो अभी पहुंच गए हम, 300 तो अभी पहुंच गए। यहाँ पर जगह तो 400 450 के करीब करीब जा रहे हैं। 438 430, जैसको ये भाई पावरफुल ना, ये सब बागे दूसरे नहीं, ये 450 तक जा रही है ये भी, बट इसकी हैंडलिंग नहीं है। इससे अच्छा जो अभी हमने वो बैटरी वाली कार परचेस की ना, वो सही है, ये 455 454, बस इससे ज़्यादा नहीं जा रही है। और हैंडलिंग अगर मैं राइट लेफ्ट कर रहा हूँ उतना, मतलब अजीब तरीके से राइट लेफ्ट हो रहा है इसका। अबे बे बे, देखो देखो देखो, ये राइट लेफ्ट में हम घुस ही गए सीधा। बस 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 बस, ये दूसरे रास्ते पे आने का ये शॉर्टकट था अपना, ठीक है। अबे रुक जा भाई, ये मेरे हिसाब से नहीं चल रही, ये खुद के हिसाब से चल रही है। तो अभी हमने दो कार बहुत तगड़ी तगड़ी वाली परचेस कर ली, बट जेस्को और जो दूसरी वाली बैटरी की परचेस की है वो काफी ज्यादा सही लगी मेरे को बाकी दूसरी कार से। खैर आज के एपिसोड को बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। नए आए हो चैनल पे, एंजॉय किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही बड़ी बड़ी गेम प्लेस लाता रहता हूँ। अभी और भी नई नई सीरीज चैनल पर आना बाकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अपडेट्स के लिए भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लो, सारी चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूँ आप सभी से अगले एपिसोड में भाई, अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, ठीक है। 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे यूट्यूब पर होने आए, बट 10,000 भी हमारे फॉलोवर्स नहीं है इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, छोटे मोटे अपडेट्स मैं वहीं पर देता रहता हूँ। मिलता हूँ आप सभी से अगले एपिसोड में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।